कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों के आंदोलन का 49वां दिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगा दी है, लेकिन किसानों ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सिरे से नकार दिया है और आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। किसानों ने आज तीनों कृषि कानूनों की पत्रियां जलाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में कैथल लघु सचिवालय में किसानों और कर्मचारियों ने तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी सचिवालय से बाहर पहुंचे और तीनों कृषि कानूनों की पत्रियां जलाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। आज तीनों जो काले कानून खेती के सरकार ने लगा दिए हैं, मोदी सरकार ने, उन सभी की प्रतियां जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और हर जगह किसानों ने गांव-गांव में फूकी हैं। और ये विरोध प्रदर्शन था किसानों का कि हर किसी भी हालत में किसान इनको लागू नहीं होने देगा। और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी, जैसे कि 24 जनवरी को सभी किसान भाई दिल्ली पहुंच जाएंगे, अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को किसान पहली बार परेड में हिस्सा लेगा। मैं बिजली बोर्ड का कर्मचारी हूँ, लेकिन हम इसके साथ साथ ही जो अपने ऊपर से किसान आंदोलन में ही जो 13 तारीख को अपने ये जो लोहड़ी के ऊपर काले कानून की प्रीतियाँ जलाने का प्रोग्राम था, उसमें भी हम कर्मचारी किसानों के साथ हैं। और हम कर्मचारी से पहले हम किसान हैं जी, तो इसलिए हमने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज इनकी प्रीतियाँ जलाई हैं जो काले कानून हैं। सर, जब तक इसको कानून रद्द नहीं होते तब तक हमारा विरोध ऐसे जारी रहेगा और शांतिपूर्ण ये विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ तीन कृषि कानून लेकर आई है, लेकिन किसान अकेला नहीं है, सभी कर्मचारी और अन्य संगठन भी किसानों के साथ खड़े हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर भी सवाल उठाए। तो 45-46 दिन से बैठे हैं, उन किसानों के काफी किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उनके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में चारों आदमी जो सरकार के हुए लिए गए, हम उनका घोर विरोध करते हैं। और किसान जब लग ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, धरने से नहीं उठेंगे, जो भी क्रांति उठेगी 26 तारीख को, उसमें सरकार को पता लग जाएगा कि किसान क्या है। किसान डरने वाले नहीं हैं, जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा किसान वहां से नहीं उठेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार से किसान डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले नहीं हैं, हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। आज ये तीनों कानून की प्रतियां थी जो हमारे जत्थेदारों के आदेश आए थे कि लोहड़ी के दिन हमें किसान भाइयों ने ये तीनों कानूनों की प्रतियां जलानी है, आज उसमें हमने तीनों प्रतियां जलाकर सरकार का विरोध जताया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और कृषि कानूनों के विरोध में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।